जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस के जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके लिए जिला जनसंपर्क अधिकारी DPRO की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 37 वर्ष तक दी गई है और जो इसमें टोटल पोस्ट हैं वो 31 दी गई हैं। तो दोस्तों, इसे मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और आप इसे कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप इसे अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही और नई नई वैकेंसीज की डिटेल लेकर आ सकें। तो दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है जिसमें आपको सहायक निर्देशक और सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के 31 पोस्टों के लिए इसमें आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों, बात करें इसकी कैटेगरी वाइज आपको कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, तो इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 10 वैकेंसीज हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 6 वैकेंसीज दी गई हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 वैकेंसीज हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वैकेंसीज हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें आपको 1 वैकेंसी दी गई है। तो दोस्तों, ये टोटल आपको इसमें 31 वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके वेतन की। तो इसमें जो आपका वेतन है वो आपका लेवल 9 के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है जिसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्था से स्नातक, ग्रेजुएशन अथवा इसके समक्ष डिग्रीधारी तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इससे संबद्ध संस्था से पत्रकारिता मास कम्युनिकेशन में डिग्री होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो आपको 21 वर्ष से लेकर आपको 37 वर्ष तक दी गई है और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला है उनको 40 वर्ष तक छूट दी गई है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष तक इसमें एज लिमिट दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया की। तो इसमें विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्त हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्रामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प, आगे इसका आपको डेट्स दी गई है, द्वारा निर्धारित सामान्य श्रेणी के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको सिलेबस दिया गया है कि इसमें आपका जो पेपर है वो कैसे कैसे होगा, उसमें आपका क्या सिलेबस आएगा, तो इसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। तो इसमें आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र और आपका पत्रकारिता मास कम्युनिकेशन से संबंधित प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम है पता से निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में आपको इसके लिए जरूरी होगा और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी इसमें आपको जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं और महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए भी आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम तथा पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वाले हैं उनके लिए भी इसमें बिहार सरकार के अधिसूचना पत्र 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और जो दिव्यांग है उनके लिए भी इसमें आपको प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही इसमें आपको पहचान पत्र फोटो युक्त होना चाहिए और हाल ही का खींचा हुए 4 फोटोग्राफ होने चाहिए और जो लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति भी जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें आपको ये अनिवार्य होंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके आवेदन शुल्क की। तो इसमें आपको सामान्य अभ्यर्थियों जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये फीस है और बिहार राज्य के स्थायी निवासी
सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये फीस है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इसमें आपको 200 रुपये फीस रखी गई है। तो दोस्तों इसके बाद जो अन्य स्टेट से ऑल इंडिया से अप्लाई करेंगे उनके लिए भी आपको 750 रुपये पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कब से करोगे, तो दोस्तों उसके लिए भी इसमें आपको डेट्स दी गई हैं। तो दोस्तों इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की स्टार्ट डेट है वो आपकी 16 फरवरी 2021 है और इसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि इसमें आपको 12 मार्च 2021 दी गई है। तो आप इसे 12 मार्च 2021 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SK जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।